चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम पतंजलि परिवार के पांचों संगठन पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और किसान सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में यहां रमना मैदान की से ऐतिहासिक स्तर पर चला। और इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से गति दे रहे थे पतंजलि योग समिति के हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया और साथ में भोजपुर जिला के तमाम योग साधक इसमें भाग लेकर के बड़ी तन्मयता एकाग्रता के साथ विश्व योग दिवस से आप सभी जो अब भाग लिए और भाग लेने का काम किए उसके लिए मैं पतंजलि योग परिवार की ओर से, पतंजलि योग परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप नियमित रूप से योग करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। योग शरीर और मन को संतुलित करने का, संयमित करने का यह पौराणिक विद्या है। आज पूरी दुनिया, भारत ही नहीं बल्कि भारत की पौराणिक विद्या को दुनिया के सभी देश एक साथ एक लयबद्ध होकर के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाए। हमारे परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का आज का कार्यक्रम कोटा राजस्थान में चल रहा था और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम देहरादून में चल रहा था और हम सभी यहाँ पर एक साथ भोजपुरवासी भोजपुर जिला के ऐतिहासिक रमना मैदान में इस अभियान में भाग लिए। तो आइए एक नारे के साथ बोले भारत माता की, वंदे वंदे, करे योग रहे निरोग, करे योग करे योग। मैं आपसे आमित करने के यहाँ से अपनी वाणी को विराम देने की ओर पढ़ूंगा। दुनिया में जितनी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे वो समाज की किसी भी प्रकार की कुरूतियां हो, उन कुरूतियों को दूर करना है तो आपको योग अपनाना होगा, योग के शरण में आना होगा। इसलिए आइए योग के शरण में चल करके हम भारत को फिर से विश्व गुरु मनाएंगे और भारत के अंदर जितने प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे शरीर के मानसिक समस्याएं हो, चाहे वो हमारा शारीरिक समस्या हो, वो सबको दूर करेंगे। तो आइए मिलकर के योग करेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। सबको बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ओम।